हेलो फ्रेंड्स, काफी लोग ऐसे होते हैं जो शादी से पहले तो गरीबी में जीते हैं, लेकिन शादी के बाद उनकी किस्मत बदल जाती है। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शादी के पहले तो शान और शौकत वाली जिंदगी जीते हैं, लेकिन शादी के बाद उनकी किस्मत ऐसी पलटी खाती है कि वे दोबारा पनप नहीं पाते। ज्योतिष के अनुसार कुंडली में कुछ योग ऐसे होते हैं जो बताते हैं कि व्यक्ति की शादी किसी अमीर घर में भी हो सकती है और ससुराल में जाते ही उसके ऊपर धन की बरसात होने लगती है और मानो उन्हें उनकी ससुराल में बड़ी से बड़ी परेशानी का सलूशन मिलने लगता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कुंडली के ऐसे कौन से योग होते हैं जो अमीर ससुराल का सपना पूरा कर सकते हैं। पहला योग, जिसकी कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी या द्वितीय भाव का स्वामी सप्तम भाव में हो और उस पर शुक्र की दृष्टि या शुक्र साथ हो, तो व्यक्ति की ससुराल से लाभ मिलता है। इसी तरह जिनकी कुंडली में सप्तमेश या धनेश एक ही राशि में हो और उन पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो, तो ससुराल से मदद मिलती है। कुंडली के तीसरे योग में चंद्रमा सप्तमेश सप्तम भाव का स्वामी हो या चंद्रमा धन भाव दूसरे भाव में हो, तो ससुराल धनी होता है। अगर आपकी कुंडली में ये योग है तो आपको भी मिल सकती है धनी ससुराल। तो ऐसी कुछ और मजेदार बातों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें पंजाब केसरी का यूट्यूब चैनल कुंडली टीवी। बाय बाय फ्रेंड्स।